मां नेपाल मा आउना पाएको मा अत्यन्तै हर्षित छु। पहले राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नेपाल की संसद को नेपाली भाषा में संबोधन के साथ अपने भाषण की शुरुआत की तो वहां मौजूद तमाम सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका धन्यवाद अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 45 मिनट तक दिए अपने भाषण में भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते को और भी मजबूती देने और नेपाल के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मोटे तौर पर रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम देते हुए कहा कि भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितने की हिमालय और गंगा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं, और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं, हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि पूरा विश्व नेपाल की तरफ देख रहा है। अगर आप सफल होंगे तो शस्त्र से शास्त्र की ओर और बुलेट से बैलेट की तरफ आने की प्रेरणा पूरे विश्व को मिलेगी। विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए। आर्थिक तौर पर नेपाल को और भी सशक्त बनाने के मकसद से भारत ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए देने का आश्वासन दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैसे का खर्च नेपाल के विकास के लिए होगा। नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद में एक दूसरे को बिजली देने की बात रखी, साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे का अंधेरा दूर कर सकते हैं। नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है, और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हिट का नया फॉर्मूला भी दिया, जिसमें उन्होंने नेपाल को एच से हाईवे, आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टी से ट्रांसमिशन लाइन के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए कहा। और इसलिए मैंने कहा एच हाईवे, आई इंफॉर्मेशन वे, टी ट्रांसमिशन वे, ट्रांसवे, ये मैं हिट करना चाहता, और आप भी चाहेंगे ये हिट जल्दी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मोबाइल सर्विस प्रोवाइडरों से बात करनी चाहिए ताकि नेपाल और इंडिया के बीच आईएसटी रेट्स कम हो पाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सार्क देशों की मदद के लिए सार्क सैटेलाइट छोड़ने का फैसला किया है ताकि इसका फायदा सभी सार्क देशों को मिल सके। अभी अभी मैंने घोषणा की है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे सार्क देशों को मिलना चाहिए, और इसलिए भारत की तरफ से एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिस सार्क सैटेलाइट का लाभ हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ सार्क देशों को मिले, नेपाल को मिले, उस दिशा में हमने कदम उठाना तय किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत और नेपाल के बीच के रिश्तों को एक और मकाम हासिल होगा और दोनों पड़ोसी मुल्क शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा को मुकम्मल करते हुए रिश्तों की नई बुलंदियों को छूने में कामयाब हो पाएंगे। हम आपकी पानी और बिजली लेने नहीं आए हैं बल्कि खरीदने आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद में अपने उद्बोधन में जब ये कहा तो पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। वजह यही रही कि कहीं न कहीं नेपाल को आर्थिक समृद्धि की राह पर लाने के लिए
ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन मूलभूत चीजों की जरूरत अरसे से महसूस की जाती रही है। उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि संविधान का निर्माण हो या नेपाल को आर्थिक समृद्धि की राह पर लाने का मामला, भारत नेपाल को पूरा सहयोग करेगा। कैमरामैन हरिमोहन नायर और अपने सहयोगी सुधाकर दास के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।